गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम इन माय जीके ऑनलाइन क्लास। गोइंग टू टीच यू जीके। टुडे इज माय टॉपिक इज फोबिया। फोबिया मींस होता है फियर, लेकिन कैसा फियर? फियर मतलब एक्सेसिव फियर, यानी कि ऐसा फियर जो हमारे माइंड को अपने कब्जे में कर ले, जैसे इतने हम हैबिट हो जाए जो हम कुछ भी ना कर पाए, ना कुछ सोच पाते हैं, ना कुछ कर पाते हैं, और अधिक मतलब बीमार पड़ जाते हैं। ऐसा एक फियर होता है सिंपल डर होना, जैसे आप में डर हो जाता है कि मैंने होमवर्क नहीं बनाया, तो ये डर है फियर। लेकिन वही एक्सेसिव फियर, अगर डर के मारे आपको बुखार लग जाए, आप डर के मारे जो है कुछ फिर पढ़ना नहीं चाहे, तो वो फोबिया कहलाता है। फोबिया, फियर ऑफ होमवर्क, ये भी एक फोबिया। फोबिया जब बीमारी के रूप में हो जाए, तो डर जब बीमारी के रूप में हो जाता है तो वो फोबिया कहलाता है। ओके, तो फोबिया समझे, फोबिया इज द फियर ऑफ पार्टिकुलर थिंग्स, यानी कि किसी पार्टिकुलर थिंग से, वो कुछ भी हो सकता है जिसे देख करके आप भयभीत हो जाते हैं। तो भयभीत ही नहीं, आप बुरी तरह बीमार पड़ जाते हैं, बीमार आप हो जाते हैं। ऐसी परिस्थिति जब होती है तो उसे हम फोबिया कहते हैं। अब इसी के अनुसार बहुत सारे कुछ फोबियाज के नाम है, ऐसे फोबिया बहुत सारे हैं, लेकिन आपके बुक में कुछ नाम्स दिए हैं, जैसे फियर ऑफ कैट्स। अब बिल्ली से डर लगना, बिल्ली से देखते हो कि बहुत बच्चे खेलते हैं या बहुत देखते हैं तो मार भी देते हैं बिल्ली को, तो हम लोग मार देते हैं मतलब ऐसे। लेकिन अब कुछ पर्संस ऐसे हैं जिन्हें बिल्ली से भी ऐसा डर, एक्सेसिव फियर होता है, तो उसे वैसे पर्सन को हम क्या कहेंगे? तो वैसे पर्सन को हम क्या कहेंगे? एलोरोफोबिया, यानी कि फियर ऑफ कैट। अब हम पूछेंगे कि व्हाट इज एलोरोफोबिया, तो फियर ऑफ कैट। फियर ऑफ कैट क्या कहलाता है? तो एलोरोफोबिया कहलाता है। इस प्रकार आप दोनों ध्यान में रखेंगे कि फियर ऑफ कैट क्या है और एलोरोफोबिया क्या है। अब आइए फियर ऑफ स्पाइडर। फियर ऑफ स्पाइडर जानते हैं ना, स्पाइडर जो मकड़ी जाल बनाते हैं, तो उसे फियर ऑफ स्पाइडर, मकड़ी से डरना, वो कौन, उस तरह के पर्सन को क्या कहेंगे? आर्कनोफोबिया। आर्कनोफोबिया। फियर ऑफ वाटर, पानी से, हाइड्रोफोबिया। पानी से भी डर लगता है, पानी देख करके बहुत से नहाना नहीं चाहेगा, नदी में नहाना नहीं चाहेगा या तालाब में नहीं जाना चाहेगा, इस तरह से होता है। तो पानी से डर लगना, तो उसे हम हाइड्रोफोबिया। फियर ऑफ गोल्ड, इसे क्या कहेंगे? ऑरोफोबिया। फियर ऑफ गोल्ड मतलब जैसे गोल्ड, गुम होने का डर, या बहुत अधिक सोना पा लेना, वो भी हो जाता है। ऐसा नहीं कि तो फियर ऑफ गोल्ड, और या कभी कभी हो जाता है क्या, गोल्ड से एलर्जी टाइप की भी हो जाती है, तो उस तरह से यह फियर ऑफ गोल्ड। फियर ऑफ नीडल, यानी कि ट्राइपैनोफोबिया, यानी कि सुई से जो है डर लगना। नीडल्स मतलब यहाँ सुई, जो इंजेक्शन देते हैं ना, अभी वैक्सीन है, देखे होंगे आपने फेसबुक पर, बहुत सारे ऐसे बूढ़े बूढ़े भी लोग भी अगर सुई ले रहे हैं तो काफ़ी रो रहे हैं, बड़े बड़े लोग भी, तो वह है फियर ऑफ नीडल्स। अब बच्चों के भी ये आ रहे हैं, वैक्सीन आ रहे हैं, उन्हें भी लेना पड़ेगा, तो जिन बच्चों में अगर है फियर ऑफ नीडल्स, वो अपने आप को ब्रेव बना ले, कुछ भी नहीं है। तो फियर ऑफ नीडल, ट्राइपैनोफोबिया। फियर ऑफ क्राउड, इनोक्लोफोबिया। क्राउड मतलब भीड़, जैसे भीड़ होता है ना, भीड़ में बहुत आदमी सुने होंगे कि बेहोश हो गया, तो वो बेहोश या बहुत आदमी भीड़ में धक्का देते हुए निकल जाता है, तो दोनों के डिफरेंसेज है। जो धक्का देके निकल गया वो तो बहादुर हो गया, लेकिन भीड़ में जाकर के बेहोश हो जाता है, उसे क्या होती है? फोबिया हो जाती है, यानी कि उसे भीड़ में वो बिल्कुल नहीं, चाहे भीड़ भरी बस हो, चाहे भीड़ में ट्रेन हो, या कोई मेला वगैरह हो, कहीं भी जहाँ ज़्यादा क्राउड हो, वो उस जगह से बचेगा, तो उसे हम क्या कहेंगे? फियर ऑफ क्राउड। फियर ऑफ हाइट, यानी कि ऊंचाई, कोई भी चीज़ ऊंचाई पर नहीं जाना चाहता है, या ऊंचाई पर जाने पर उसे नीचे देखने पर डर लग जाता है, या ऊंची चीज़ों को नहीं वो लाइक करता है, तो वो जो हो जाएगा फियर ऑफ हाइट, तो एक्रोफोबिया। फियर ऑफ फ्लाइंग, यानी कि उड़ना, उड़ने से डर लगता है,
तो जैसे जैसे हवाई जहाज पे लोग सफर करता है ना, जब देखे अरे वाह हमको इतना ऊंचा उड़ना है, मैंने बैठूंगी इस हवाई जहाज पे, तो उस तरह का जो हो जाता है फियर ऑफ फ्लाइंग, उड़ना नहीं चाहता है वो, उससे उसे इतना डर लगता है, पूरा शरीर पसीने पसीने हो जाता है, वो बेहोश हो जाता है, उसे मेडिसिन की जरूरत पड़ जाती है, तो उसे हम क्या कहेंगे, एवियोफोबिया। फियर ऑफ ब्लड, खून, यानी कि खून देख करके, बहुत सारे ऐसे होते हैं जो एक्सीडेंटल अगर किसी को देख लेते हैं तो वहीं पर बेहोश हो जाते हैं, वो चाह कर के भी उस समय अपने आप को बहादुर नहीं बना सकते हैं, तो उसे क्या होता है, ब्लड देख करके ही वो पसीने पसीने हो जाते हैं, शरीर में ब्लड प्रेशर उसका बढ़ जाता है, बेहोश होने लगते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, हेमोफोबिया। तो ऐसे या कहीं कहीं फोबिया का जो होता है, या तो अपने आप अंदर से तुम अगर अपने अंदर विकसित करोगे कि नहीं मुझे नहीं डरना है, नहीं डरना है, तो तुम इस बीमारी से बच सकते हो, इसे इसका साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट किया जाता है। और कई ऐसे होते हैं कि अगर हमें जहां हम बच सकते हैं तो हम वहां अपने आप को सेफ रखें, अब इसे जहाँ एक्सीडेंटल अथी देखने से अगर हमको कुछ होता है तो हम वैसे जगहों से एवॉइड करें, नहीं जाए और अपने आप को उससे बचे बचे भी और अपने आप को बहादुर भी बनाए, ओके, दोनों होना चाहिए। तो ये साइकोलॉजिकल एक बीमारी है, ये बीमारी कैसा है, साइकोलॉजिकल है, जिसका कोई दवा नहीं है, मेडिसिन नहीं है, हमें अपने आप को खुद से ब्रेव रखना होगा, ओके। तो इसे हम अब याद कैसे करेंगे, फियर ऑफ कैट, एलोरोफोबिया, फियर ऑफ स्पाइडर, आर्चिट कहते हैं ना स्पाइडर, जैसे आर्चिट प्रजाति में आता है तो उससे ध्यान रखना होगा, आर्चिट, तो फियर ऑफ स्पाइडर, आर्कियोनोफोबिया, फियर ऑफ वाटर, हाइड्रो होता है ना, हाइड्रोजन वगैरह जैसे बोलते हैं, उससे ना वाटर बनता है, इसे ध्यान रखोगा, हाइड्रो है तो वाटर होगा, ये मतलब लॉजिकली बता रहे हैं, ऐसा नहीं कि फिक्स है क्या यही तरीका, तो एक मेथड बता रहे हैं कि ध्यान में रहेगा, हाइड्रो है तो वाटर होगा, क्योंकि वाटर में हाइड्रोजन होता है ना, इस वजह से। फियर ऑफ गोल्ड, ऑरोफोबिया, फियर ऑफ नीडल, ट्राइपैनोफोबिया, फियर ऑफ क्राउड, इनोक्लोफोबिया, फियर ऑफ हाइट, एक्रोफोबिया, फियर ऑफ फ्लाइंग, एवियोफोबिया, एविएशन होता है उससे बना है, इसे ध्यान रखोगे, एवियोफोबिया। फियर ऑफ ब्लड, हेमोफोबिया, हेमोग्लोबिन पाया जाता है ना इसमें, हीमोग्लोबिन ब्लड में, उसी से बन गया हेमोफोबिया, इसे ध्यान में बस एक छोटा सा दे रहे हैं क्लू कि जिसे याद रहेगा कि फियर ऑफ ब्लड, हेमोफोबिया, ओके, ब्लड होगा तो हेमोफोबिया, वाटर होगा तो हाइड्रोफोबिया, और स्पाइडर होगा तो आर्चनोफोबिया। इस तरह से अगर 5 से 10 बार इसका रिविजन बार बार करोगे, फियर ऑफ कैट्स, एलोरोफोबिया, व्हाट इज ऑरोफोबिया, तो फियर ऑफ गोल्ड, क्वेश्चन बन जाएगा व्हाट इज ऑरोफोबिया, तो लिखोगे आंसर फियर ऑफ गोल्ड। व्हाट इज फोबिया, ए फोबिया इज द फियर ऑफ पार्टिकुलर थिंग्स। हेमोफोबिया क्या है, तो फियर ऑफ ब्लड। एवियोफोबिया क्या है, तो फियर ऑफ फ्लाइंग। फियर ऑफ हाइट क्या है, एक्रोफोबिया। फियर ऑफ नीडल्स क्या है, ट्राइपैनोफोबिया। तो अभी जो है आप बच्चे जो है ज़्यादा नीडल से डरते हैं, हालांकि बड़े भी कुछ एग्जांपल्स फेसबुक के जरिए दिखा है कि बड़े भी बहुत ज़्यादा डरते हैं, लेकिन बच्चे ज़्यादा नीडल से डरते हैं, तो बच्चों की जो वैक्सीन आ रही है तो बच्चे अपने आप को क्या करें, इसके लिए अपने आप को अभी से ही बहादुर बना लें। हाँ चलिए, ओके बाय।